आज मिथिला मंच फिरोजाबाद के द्वारा विवेक शर्मा संयोजक के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मिथिला मंच के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होली मिलन समारोह की तारीख को तय करना और मैथिल ब्राह्मण समाज को जागरूक करते हुए एकजुट करना और समाज को उचित सम्मान दिलाने का उद्देश्य रहा। बैठक के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि होली मिलन समारोह 27 मार्च को ओझा नगर स्थित मैथिल ब्राह्मण धर्मशाला में किया जाएगा, जिसमें होली मिलन समारोह के कार्यक्रम के साथ कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। फिरोजाबाद से शैलेश झा की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम मिथिला मंच फिरोजाबाद द्वारा रखा गया है। जिसकी राजनीतिक रूप से इच्छाएं होती हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों में हमारे लोग भी अपने इच्छाओं का स्वीकार करते हैं। उस संबंध में मीटिंग का आयोजन रखा गया, इसमें सामाजिक एकता पर जोर दिया गया है। जो हम लोग बिखरे हुए हैं वो मिथिला मंच के माध्यम से एकजुट हों। एकजुट होने के उपरांत जब जिस समाज का संख्या बल ज़्यादा होता है उसी समाज पर राजनीतिक पार्टियाँ ज़्यादा गौर हैं। केवल यही उद्देश्य हमारा और भविष्य में अभी जैसे होली का त्यौहार आ रहा है तो ये मिथिला मंच के माध्यम से एक होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी समाज के लोगों की सहभागिता रहेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और इससे एक समाज में मैसेज दिया जाएगा कि जितना ज़्यादा इकट्ठे रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो समाज जुड़ता है वही समाज बढ़ता है।